इस मौजू के तहत आपके सामने जन्नत में मौजूद अल्लाह तबारक की नेमतों का बयान हुआ इसी तरह से आपके सामने अब ये बयान किया जा रहा है कि जन्नत में जो लोग दाखिल होंगे उनकी ज़िंदगी कितनी इशरत वाली होगी कितनी लज्ज़त वाली ज़िंदगी होगी और आपके सामने बयान किया गया कि जन्नत में किस तरह से उनका पुरजोश इस्तबाल होगा इसी तरह से जन्नतियों के जन्नत में अवसाफ़ क्या होंगे इसकी तफसील आपके सामने आई नदरी कराम अब हम आगे चलते हैं और आपके सामने जन्नतियों को जन्नत में क्या खाना पेश किया जाएगा उनकी खुराक क्या होगी उनकी ग़ा क्या होगी क्या खाएंगे वो इसकी थोड़ी तफसील आपके सामने हम इस मुलाकात में इन शह पेश करते हैं तो अहले जन्नत का खाना इस तलुक़ से सबसे पहली बात हमें ये मालूम होनी चाहिए कि जन्नतियों को सबसे पहले जन्नत में मछली पेश की जाएगी और जन्नतियों को सबसे पहला जो खाना पेश होगा और सबसे पहली जो गज़ा वो खाएंगे और सबसे पहली चीज़ उनको पेश की जाएगी वो मछली पेश की जाएगी और फिर जन्नती बैल का गोश्त उन्हें खिलाया जाएगा मछली खिलाने के बाद चुनाच अल्लाह के नबी आलाम तो स्थार। स्थार। तो के बारे में आता है इमाम ने रिवायत फ़रमाया है कि अल्लाह के नबी आल के पास एक यहूदी आया और यहूदी ने कुछ सवाल किया अल्लाह के नबी सलाम से कुछ यहूदी ने सवाल किया तो अल्लाह के नबी सलाम से फ़रमाया कि क्या उनको खिलाया जाएगा तो अल्लाह के नबी सलाम ने सबसे पहले मरतबे पर उनका तहफ़ा क्या होगा उन्हें क्या पेश किया जाएगा तो अल्लाह के नबी सला ने फरमाया कि मछली का गोश्त उन्हें पेश किया जाएगा और मछली की कलेजी उन्हें पेश की जाएगी अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर फरमाया उन्हें उसके बाद कौन सा खाना पेश किया जाएगा तो अल्लाह के नबी आल सलात फरमायादी का नयाकुलराफिया जन्नत में जो चल करके और बैल खाना खाया करता था और जो है उसमें चरा करता था और जन्नत में जो पला है बैल उस बैल को ज़बह किया जाएगा और उस बैल का खाना उन्हें पेश किया जाएगा नादरी कर आप समझ सकते हैं कि जन्नत की गज़ा से पलने वाला बैल और जन्नत में चरने वाला बैल उसका गोश्त कितना लजीज़ होगा और किस तरह से होगा अल्लाह के नबीम ने फरमाया कि उसमें से जो उसको किया जाएगा इसी तरीके से जन्नतियों को मछली का गोश्त पेश किया जाएगा और बैल का गोश्त पेश किया जाएगा फिर मनपसंद परिंदों का भुना हुआ गोश्त और पसंदीदा फल हसब ख़्वाहिश बक़सरत उनकी ख़िदमत पेश होंगे यानी ये तो उनका तोहफा, ये उनका इस्तबाल होगा और अल्लाह की तरफ से उनके पेश किया जाएगा उसके बाद जन्नत में जो वो चाहेंगे जिस तरह से चाहेंगे जो ज़ा चाहेंगे जो खुराक चाहेंगे वो उन्हें हासिल होगा मनपसंद परिंदों का भुना हुआ गोश्त परिंदों के गोश्त ये कितने लजीज होते हैं आदमी परिंदों का गोश्त खाने के लिए तड़पता है मनपसंद और जिस परिंदे का गोश्त चाहेंगे उसका मिलेगा और पसंदीदा फल जो फल चाहेंगे जितना चाहेंगे जिस तरह से चाहेंगे अल्लाह तबारक तआला जन्नतियों के लिए जन्नत में तैयार कर रखे हैं अल्लाह तबारक विल्दानुम मुखल्लदून विल्दान व बे व बिबारिक मिन मु

वो उनके लिए हाजिर हो जाएगा वाह में तरी मशत और जिस परिंदे गोश्त चाहेंगे अल्लाह तबार को ताला फरमाते हैं उनके लिए हाजिर होगा सूर्य वाक़ा में आयत नंबर इक्कीस और बीस में अल्लाह ताली ने बयान फ़रमाया है इसी तरीके से हमने इससे पहले जन्नत के उसमें पढ़ा है और इस आयत करीमा का तस्करा आपके सामने किया है हमने कि वाकन कसीरा लामकू आती ममनुआ जब हम जन्नत के जिक्र आ रहे थे तो वहाँ पर ये बात आई थी कि जन्नत के जो फल हैं और जन्नत का जो खाना है ये कभी ख़त्म नहीं होगा तो अल्लाह ने फरमाया, फ़ा कि हतिन कसर बहुत ज़्यादा फल बहुत ज़्यादा मेवे जिस तरह से जन्नती चाहेंगे जितना चाहेंगे वो उनके लिए हाजिर होगा ला मखतू अति वाला ममनुआ वो जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और ना उन्हें उससे रोका जाएगा किसी फल से नहीं ये मत खाओ वो मत खाओ कुछ भी नहीं कोई बीमारी नहीं कुछ जो चाहेंगे वो खाएंगे तो उनको मन पसंदीदा फल मिलेगा इसी तरीके से फ़रमाया फ़ी हम तशतन तल तुम फ़ी लकुम फ़ी फा तुम कथी मिन अल्लाह ने फरमाया, फरमाया जन्नत में जो तुम्हारा दिल चाहेगा जिससे तुमको लज्जत हासिल हो जो तुमको लजीज लगे वो मिलेगा और बहुत ज़्यादा फल मिलेगा और उसमें से तुम खाओगे सूर्य जुखरुफ में आयत नंबर कहत्तर और बहत्तर और तिहत्तर में अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया है तो जन्नतियों के खाने के बारे में आपके सामने ये बात आई कि जन्नतियों को जिस तरह से जो खाना चाहेंगे जितनी मकदार में चाहेंगे वो सारी चीज़ें उसको मिली और जन्नत का जब तस्करा हम कर रहे थे उस वक्त हमने आपके सामने ये बात रखी नाजरेन के राम कि यही नहीं उसके लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा जो चीज़ आपके दिल में आई कि वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए आपके दिल में आई बात की फ़ौर वो हाज़िर हो गई और जहाँ से जो चीज़ आई जहाँ से जो चीज़ आपने लिया फ़ौर वहाँ पर वो दूसरी चीज़ अल्लाह तबार को पैदा फरमा देंगे तो जन्नत में जिस तरीके से खाना चाहेंगे जो फल चाहेंगे जो मेवाजात चाहेंगे जो गोश्त चाहेंगे हर तरह से उनको हाज़िर होगा अल्लाह तबार को ताला जन्नत में हर जन्नती को ख़ूब ज़्यादा खाने की ताकत भी दे देंगे बेचारे दुनिया में आदमी रहता है अपनी ख्वाहिश के अतबार से नहीं खा पाता है बहुत सी चीज़ें उसको पसंद है, लेकिन पैसे नहीं हैं बहुत सी चीज़ें पसंद है पैसा भी है लेकिन बीमारी का मसला है बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि आदमी चाहते हुए भी नहीं खा पाता है लेकिन वहाँ ना बीमारी होगी ना कुछ होगी और ख़ूब अल्लाह ताला उन्हें ताकत भी दे देंगे कि वहाँ खूब ज़्यादा वो खाएँ चुनानचे हदीसों में तो यहाँ तक आता है अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया कि एक एक जन्नती को अल्लाह तबारक तौ सौ आदमी की ताकत दे देंगे कि वो आदमी सौ सौ आदमी के बराबर जितना चाहे खाना खा सकता है चुनानचे अल्लाह के नबीत असलम से रत करते हैं जैद इमिन अरकम रज़ी अल्लाह ने कि अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया अहले जन्नत में से हर शख्स खाने पीने और शहवत व जिमा में सौ आदमियों के बराबर ताकत दिया जाएगा यानी जन्नती में से हर जन्नती को अल्लाह ताला खाने में पीने में और अपनी बीवियों से और हरइन से जमा करने में हम बिस्तरी करने में सौ सौ आदमी की ताकत दे देगा एक आदमी सौ आदमी के बराबर खाएगा एक आदमी सौ आदमी के बराबर पिएगा एक आदमी सौ आदमी के बराबर हम बिस्तरी करेगा जब चाहे खाए जब चाहे पिए जब चाहे हम बिस्तरी करें सही उजाम सग़ीर में एक हज़ार छः सौ तेईस नंबर पर शेख हरबानी रही ने इस संदेश को सही करार दिया है तो अहले जन्नत को खूब ज़्यादा ताकत भी अल्लाह ताला दे देगा कि वो खूब ज़्यादा खाना खा सकें और लज्जत हासिल कर सकें मज़ा कर सकें और ऐश इशरत की ज़िंदगी उजार सकें इसी तरीके से अहले जन्नत को जो खाना पेश किया जाएगा ये सोने चांदी और सफ़ेद चमकदार शीशे के बर्तनों में खाना पेश किया जाएगा सोने का बर्तन या चांदी का बर्तन यहाँ दुनिया में उसमें खाना पीना हराम है अल्लाह के नबी नबीम ने हदीसों में बयान फ़रमाया है कि सोने और चांदी के बर्तनों में मत खाओ सोने का जेवर औरतें पहन सकती हैं चांदी का जेवर औरतें पहन सकती हैं मर चांदी की अंगूठी पहन सकता है लेकिन सोने के बर्तनों में या चांदी के बर्तनों में खाना पीना उनका इस्तेमाल करना ये हराम है इबाकायदा नबी सला ने तो फरमाया कि अगर यहाँ कोई इस्तेमाल करेगा तो जन्नत से महरूम हो जाएगा लेकिन वहाँ ये हाल होगा कि हर खाना सोने के बर्तन पेश किया जाएगा हर खाना चांदी के बर्तन पेश किया जाएगा और ऐसे चमकदार शीशे के बर्तनों पेश किया जाएगा अल्लाह तरमायाफ़िम बे सहाफ़ी व अटवाब इनके ऊपर सोने के बर्तनों को लेकर के चक्कर लगाया जाएगा ना छोटे छोटे बच्चे जो खादिम होंगे जन्नतों के और जन्नती के खिदमत करने वाले होंगे सोने के बर्तनों को और प्लेट और बर्तन और गिलास लेकर के घूमते रहेंगे सूर्य जखरूफ़ आयत नंबर इकहत्तर में अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया है तो सोने और चांदी के बर्तनों में और चमकदार शीशों बर्तनों में उन्हें खाना पेश किया जाएगा इसी तरीके से अहले जन्नत की खुराक के बारे में ये आता है कि हमारी जो मौजूदा ज़मीन है यह अहले जन्नत की रोटी होगी जिस जमीन पर हम रह रहे हैं इस जमीन को अल्लाह तबारक क़यामत के दिन इतनी लजीज रोटी बनाएगा और जन्नती इसको खाएंगे। चुनान ची अबू सैद खुदी अल्लाह तो रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन ज़मीन एक रोटी हो जाएगी कयामत के दिन ज़मीन रोटी की शक्ल में होगी अल्लाह ताला उसे अपने हाथ से इस तरह उलट पलट फरमाएंगे जिस तरह तुम में से कोई शख्स सफर में अपनी रोटी को हाथों में उलट पलट करता है वो रोटी अहिल जन्नत की मेज़बानी होगी तो नजर ने कराम आपने देखा कि जन्नत में अल्लाह तबारक तमी को अपनी कुदरत से अपने फजल से रोटी की शक्ल दे देगा और अपने हाथ से उसको उलट पलट करके रोटी बनाएगा और जन्नत उसको खाएंगे तो यह जन्नतियों की ख़ुराक है नाज्रीन कलाम जो हमने देखा कि वो जिस तरीके से चाहेंगे खाएंगे जितना चाहेंगे उतना खाएंगे खाना कम नहीं होगा किसी खाने से मना नहीं किया जाएगा जन्नत में उन्हें पेशाब और पैखाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी वो डकार लेंगे मुश्किल अंबर की खुशबू की तरह से और उससे उनका खाना हज़म हो जाएगा और उन्हें जो खाने पेश किए जाएंगे वो सोने और चांदी के बर्तनों में और शीशे के चमकदार बर्तनों में पेश किए जाएंगे और इस तरीके से वैशोत की ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे होंगे इसी तरीके से अब जन्नत में खाने के बाद आइए जन्नत में मशरूब क्या होगा जन्नत में पीने के लिए अल्लाह तबार को तला जन्नतियों को क्या आता फरमाएंगे जाहिर सी बात है आदमी खाना खाता है तो खाने के साथ साथ एक लाजमी चीज जो इंसान के साथ लगी हुई पीना मशरूब पीने की ख्वाहिश इंसान को होती है अब वो शरबत पिए पानी पिए दूध पिए और दूसरी चीजें पिए तो पीने के लिए अल्लाह तबार को तला ने जन्नत में जन्नतियों के लिए क्या तैयार कर रखा है जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक ताली ने बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रखी हैं अल्लाह ताला ने जो बयान फ़रमाया है ये तो बहुत छोटी सी है और मामूली है और अल्लाह ताला ने इसे एक झलक पेश कर दिया है वरना अल्लाह तबारक ताली ने जो चीज़ें तैयार की हैं वो तो बहुत अजीम है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं नाजेन कराम जन्नत की जो चीज़ें बयान की जा रही हैं इसकी एक झलक पेश की जा रही है जो क़ुरान ने पेश किया है हदीस ने पेश किया है कि हमारे अंदर शौक़ पैदा हो रगबत पैदा हो इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी चीजें बयान की गई हैं बस यही चीजें जन्नत में पाई जाएंगी इसके अलावा कोई चीज नहीं पाई जाएगी तो जन्नत में मशरूब क्या, क्या पेश किया जाएगा और पीने के लिए क्या चीजें पेश की जाएंगी आइए इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं चुनान जन्नत के मशरूब के तल्लुक से जन्नत का सबसे अला तरीन मशरूब यह तस्नीम है तस्नीम ये एक चश्मा है जिसमें से जाम को पीने के लिए दिया जाएगा और सैलाब किया जाएगा और यह सबसे से अली तरीन जो है मशरूब है, है। चुनानचे ये अल्लाह के ख़ास और मकर्रब बंदों के लिए की खिदमत में पे पेश किया जाएगा और उनके लिए ही खास होगा तमाम अहले जन्नत की खिदमत में रही रही कहते हैं सरबंद साफ़ और शफाफ और ख़ालिश शराब पिया जाएगा शराब ये आज दुनिया में हराम है अल्लाह ताला ने इसको हराम किया है और बहुत बड़ा जुर्म कहा है बहुत बड़ा गुनाह बताया है उम्मुल खबाइस बताया है लेकिन जन्नत में शराब हलाल होगी और जन्नत में आदमी शराब पिएगा लेकिन ये शराब अलग है वो शराब कुछ और होगी उसका कुछ और असर होगा तो जन्नत में जो शराब मिलेगी वो रहीक होगी सरबंद होगी और उसका बंद होगा साफ़ शफाफ खालिस औरिजनल शराब होगी रहीक पीने के बाद जन्नती मुह में मुश का ज़ायका महसूस करेंगे अल्लाह तबार व तआला शाह फरमाते हैं इन लफी नईम बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे अल की अंदरून तख्तों पर बैठ करके एक दूसरे के आमने सामने जो एक दूसरे को देख रहे होंगे और एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे वहाँ कोई काम नहीं कोई टेंशन नहीं कोई मशगूलियत नहीं कोई जो है क्या नाम है उनको कोई फिक्र नहीं बस तख्त पर टेक ला करके बैठेंगे घूमेंगे टहलेंगे जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे एक दूसरे से बातें करेंगे और ये कहेंगे इसका तस्करा खास तौर तो से करेंगे कि दुनिया में हमने अल्लाह ताला को माना तो अल्लाह तबारक कितना बड़ा मकाम दिया काश कि हम अगर नहीं माने होते और हमने थोड़ा सा अगर न समझी के मुज़ाहरा किया होता और शैतान के फंदे में आ जाते तो हम बर्बाद हो जाते ये सब चाली चीज़ें तस्करा करेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं बेशक नेक लोग नईम में होंगे नेमतों में होंगे तख्त पर बैठे हुए होंगे उनका चेहरा बिल्कुल खुशी से खिला हुआ होगा ताजा होगा खुश और खुर्रम होंगे नहायत ही फ्रेश होंगे बिल्कुल आपको झलक महसूस होगी और एकदम साफ जाहिर होगा कि चेहरा बिल्कुल बदशास्तरो ताज़ा है सरबंद शराब से उनको शराब पिलाया जाएगा खिता जिस पर जो है क्या नाम मुश्किल मुहर लगी होगी वह फीज अली कफलियतनाफसलमतनाफ़िसन इसके बारे में सबकत करने वालों को कंपटीशन करने वालों को कंपटीशन करना चाहिए व मिजाजू मिन तस्नीम और वो जो शराब उनको पिलाई जाएगी उसमें तस्नीम की मिलावट होगी तस्नीम मिला करके जन्नतियों को मुहरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्किल महर होगी और ख़िता होगा और उसमें तस्नीम की मिलावट होगी अशरबो बिहल मुकर्रबून तस्नीम क्या है तस्नीम ये ऐसा चश्मा है जिससे सिर्फ़ अल्लाह तबारक वाली के करीबी और ख़ास बंदे ही पी सकते हैं सूरतमतफ़ी में आयत नंबर बाईस से लेकर के आयत नंबर अट्ठाईस तक तो नाजरन क्राम हम यहाँ ये यह देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक वाली ने एक तो ये बयान फरमाया कि तस्नीम ये एक मशरूब है तस्नीम ये एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के मकर्र बंदों को और नेक बंदों को पिलाया जाएगा दूसरी बात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं नाजरन क्राम कि जो जन्नतियों को शराब पेश की जाएगी वो साफ़ शफाफ मुहर बंद और मुश्क की मुहर लगी हुई होगी वो ऐसा नहीं कि उसमें खुला हो और कुछ गंदगी आ गई हो ऐसा कुछ नहीं मोहर बंद बिल्कुल शराब होगी और उसमें तस्नीम की मिलावट होगी और इस तरीके से उनको उसमें पिलाया जाएगा इसी तरीके से अहले जन्नत को सबसे पहला मशरूब सरसलीम नामी चश्मा से पिलाया जाएगा अहले जन्नत को जो मशरूब पिलाया जाएगा उसमें एक सरसबील चश्मा है और ये जन्नतियों का सबसे पहला मशरूब होगा चुनाची अल्लाह के नबी आलम से सवाल किया गया काला फमा शराब हम अलई वो जो यहूदी की बात हमने की पिछले उसमें कि यहूदी ने सवाल किया उसमें से एक सवाल ये था कि सबसे पहला खाना क्या पेश किया जाएगा तोहफा क्या पेश किया जाएगा फिर उसके बाद क्या खाना दिया जाएगा फिर उस पर पानी क्या दिया जाएगा तो उसने सवाल किया था कि उस पर क्या पीने के लिए दे जाएगा, दिया जाएगा क्या मशरूफ़ दिया जाएगा अल्लाह के नबी माया उनको मशरूब जो पेश किया जाएगा ऐसे चश्मे से पेश किया जाएगा जिसका नाम सल्सबील होगा इमाम मुस्लिम रही महल्ला ने किताबुल हज़ में बाबू मनीजूलमर में इस अरीस को जिक्र फ़रमाया है अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुस्क़ नफ़ी है का सन का न मिज़ा जुहा अन्नफ़ी हा तुसम् सलसबीला कि उसमें ऐसा जाम पिलाया जाएगा कि जिसमें जनजबील की मिलावट होगी ऐसे चश्मे से जिसका नाम सलसबील होगा सूर्य दहर में आयत नंबर सत्रह और अट्ठारह में तो नजरिन कराम इस तरीके से जन्नतियों को सलसबील नामी चश्मे से पिलाया जाएगा जन्नत में सफ़ेद चमकदार शराब ये अहल जन्नत की तोज़ो और मेहमानी के लिए पेश की जाएगी अल्लाह तरमाया याफिम बेकासि मीन बैदा लद्दतिल्ल शारबी और उनके दरमियान लेकर के घूमा जाएगा जो है चश्मे के जाम को जो साफ़ सफ़ेद और साफ शफाफ सफ़ेद और पीने वालों के लिए नहायत ही लज्जत वाला होगा सुर साफात में आयत नंबर पैंतालीस और छियालीस में तो अल्लाह को ताली सफ़ेद चमकदार शराब भी अहिल जन्नत की तोज़ों के लिए तैयार कर रखी है इसी तरीके से अहिल जन्नत की खिदमत में एक शराब शराब तहूर पेश किया जाएगा शराब तहूर के जाम पेश किए जाएंगे और शराब तहूर से उनको सैराब किया जाएगा यह भी एक उनका मशरूब होगा यह भी उनका एक ड्रिंक होगा जिसको वो पियेंगे अल्लाह ने फरमाया वह सकाहम रब हम शराब तहूरा उनका रब उन्हें शराब तहूर पिलाएगा शराब तहूर सूर्य हार आयत नंबर इक्कीस तो अल्लाह तबारक फरमाया कि उनका रब उन्हें शराब तहूर पिलाएगा तो शराब तहूर का मशरूब भी जन्नती को पिलाया जाएगा इसी तरीके से अल्लाह तबारक उन्हें जन्नत में जन्नतियों को ऐसी शराब पिलाएगा जिसमें सोंठ की मिलावट होगी जनजबीर की मिलावट होगी जो नहायत ही लजत वाली होगी चुनान चिल्ला ने फरमाया सूरत आयत नंबर सत्रह में वयुस्की का न मिजा जुहा कि वो उसमें ऐसे जाम पिलाए जाएंगे, जिसमें सोट की मिलाईवट होगी तो सौंठ की मिलावट वाली शराब भी उन्हें पिलाई जाएगी सोँठ की मिलावट वाला मशरूब भी उन्हें पेश किया जाएगा इसी तरीके से काफूर की आमजिस वाले शराब भी पिलाई जाएगी मुख्तलिफ़ मिलावट के शराब जन्नतियों को पेश किया जाएगा और इनका मशरूब होगा अल्लाह ताला ने फरमायाब्रारा यशरबु निन का सन का न काफूरा आई नहीं यशरबिहाबादुल्लाफ़ जीरो नहा तफजीरा सूर्य दहर आयत नंबर पाँच और छः में अल्लाह फरमाते हैं कि नेक लोग ऐसा जाम पियेंगे जिसमें काफ़ूर की मिलावट होगी आज दुनिया में इंसान मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक देख रहा है और मुख्तलिफ किस के मशरूब जूस की शक्ल में और जो है पानी की शक्ल में और दूसरी चीज़ों की शक्ल में दुनिया में आदमी देख रहा है उससे लजत महसूस कर रहा है बहुत सारे लोग पीना चाहते नहीं पी पाते अल्लाह तबारक तला ने मुख्तलिफ किस्म का मशरूब और जिस तरह का मशरूब चाहेंगे अल्लाह ताली ने जन्त में तैयार कर रखा है जिसकी झलक आपके सामने पेश की जा रही है तो अल्लाह तैयार ने फरमाया कि बेशक अजरार लोग नेक लोग ऐसे जाम से पियेंगे कि जिसमें काफूर की मिलावट होगी ये काफूर ये एक ऐसा चश्मा है जिसमें से अल्लाह के बंदे पियेंगे और उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल करके अपने घरों में ले जाएंगे। इसी तरीके से अहले जन्नत के लिए पीने के लिए मीठे पानी खुश जायका दूध लजीज शराब और साफ व शफाफ शहद की नहरें जन्नत मौजूद हैं नहरें मौजूद हैं ऐसा नहीं कि वाटल में मौजूद है या जो है कि ना बर्तन में रखा हुआ है नहरें जारी हैं अहल जन्नत के लिए मीठा पानी खुश जायका पानी पानी इंसान की जिंदगी के लिए में बहुत अहम चीज़ है और इंसान अपने पानी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है उसको फ़िल्टर करना उसको साफ शफाफ करना उसको ध्यान देना और डॉक्टर जो है क्या नाम हर तरह से मशूरा देते हैं कि पानी बहुत बेहतर होना चाहिए अल्लाह तबरक तारा ने जन्नत में जन्नतियों के लिए नहायत ही खुश जायका पानी तैयार कर रखा है उसकी नहरें जारी होंगी उसके समंदर मौजूद होंगे और अल्लाह के बंदे उसमें से पियेंगे ख़ालिश शराब होगी दूध होगी शहद होगी तो शहद से जैसा चाहे पिए शराब से जैसा चाहे पिए दूध से जैसा चाहे पिए और इसी तरीके से पानी से जैसा चाहे पिए अल्लाह फरमाया सूर मोहम्मद में आयत नंबर पंद्रह में मुत्तकून उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया है उसमें फीर आसिन कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो कभी जो है बदल नहीं सकता उसका जायका कभी नहीं बदलेगा कभी उसमें किसी तरह से तब्दीली नहीं आएगी कभी उसमें तरह से बू नहीं आएगी वह नहार उमिलबिन गई तमाम हो और इसी तरीके से ऐसे नहरें हैं दूध की जिनका मज़ा जिनका जायका नहीं चेंज होगा वनहारम्मन खम लज़तलशारब और शराब की नहरें जारी हैं जो पीने वालों के लिए बहुत ही लज्जत वाली है वह नारिन असली मुसफ़ा और खालिस ओरिजिनल शहद की नहरें जारी तो ये खुश खुशा पानी ये शराब की नहरें और ये जो है क्या नाम है दूध की नहरें और ये खालिश ओरिजिनल शहद ये सारे मशरूब अल्लाह तबारक तआला ने जन्नतियों के पीने के लिए तैयार किए हैं जैसा जिस तरह से जन्नती चाहे उसको पी सकता है अल्लाह ताला ना उससे रोकेगा ना कभी ख़त्म होंगे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ जन्नती उसमें इस्तेमाल करेंगे मान लो नहर में से और दूध पिया एक गिलास फट से एक गिलास उसमें दूध आ जाएगा कोई चीज़ कम ही नहीं होगी कोई उसमें कमी नहीं आएगी फट से वो चीज़ कोई फल उसने तोड़ के खा लिया जन्नती ने वो फट से जो है दूसरा फल आ जाएगा तो जो खाएंगे फ़ौरन वहाँ पर मौजूद हो जाएगा और जिस तरह से चाहेंगे खूब ताकत अल्लाह तबार को ताला उन्हें दे देगा खाने के लिए पीने के लिए बीवियों से हम बिस्तरी करने के लिए और हर तरह से अल्लाह तफिर मकदार में फ्रावानी उसकी होगी इसी तरीके से जन्नत की शराब पीने से जन्नतियों का न सर चकराएगा और ना नकल में फतूर आएगा यह बहुत बड़ा मसला है दुनिया में आदमी शराब पीता है जो कि मुसलमानों के लिए हराम है और इस शराब के बहुत नुकसान हैं शराब ये उमूल खबाइस है ये बहुत सारी बुराइयों और बीमारियों की जड़ है शराब आदमी पी लेता है उसकी अक्ल झायल हो जाती है अपनी माँ को गालियाँ अपनी बहन को गालियाँ उल्टे सीधे हरकतें करना बुराइयाँ करना जुल्म करना किसी को भी कुछ भी कहना तो बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं उसकी अक्ल झायल हो जाती है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है उसकी अक्ल पर पर्दा पर पड़ पर जाता है मगर जन्नती जन्नत में जो शराब पियेंगे तो उस शराब से ऐसी कोई बात नहीं होगी ना उनके अक्ल पर कोई फ़र्क आएगा ना उनको जो है किसी तरीके से फतून उन पर तारी होगा ना किसी तरीके से उन पर सुस्ती तारी होगी तो जन्नत की शराब ये दुनिया के शराब के नुकसान से बिल्कुल बरी और पाक है वो बिल्कुल अलग है और वो लज्जत वाली शराब है उससे ना कोई बीमारी और ना उससे कोई नुकसान होगा अल्लाह ताला ने वला वालफुन सूरत वाकिया में आयत नंबर उन्नीस में कि किसी तरीके से उनके अक्लों पर ना तो फतूर आएगा और ना किसी तरीके से उनको न किसी तरीके से सुस्ती और किसी तरीके से उनके अंदर कोई कमी अकल और समझ और शुरू की कोई कमी आएगी तो नाजरीन कराम इस तरीके से ये अहले जन जन्नत का मशरूब है तो इस मजलिस में हमने जो आपके सामने रखा है नादरी कराम कि जन्नतियों का खाना और जन्नतियों का मशरूब इंसान की जिंदगी में लज्जत हासिल करने के लिए ये दो चीज़ें अहम हैं। इंसान चाहता है कि बेहतर से बेहतर खाना खाए और बेहतर से बेहतर पानी और मशरूब पिए ये इंसान की ख्वाहिश होती है इसलिए अल्लाह तबारक ताली ने कुरान करीम में और अल्लाह के नबी आसात तो ने हदीसों में इसका तस्करा फरमाया है कि आप दुनिया में हराम खाना ना खाओ आप दुनिया में हराम तरीके से गज़ाएँ ना हासिल करो आप दुनिया में उन चीज़ों को ना पियो जिनको अल्लाह ताली ने हराम किया है अल्लाह त आपके लिए बहुत पाकीज़ा पाकिज़ा खाने और बहुत पाकीज़ा पाकीज़ा मशरूब अल्लाह ताली ने आख़रत में तैयार कर रखा है क्या ज़रूरत है आपको दुनिया में हराम खाने की क्या ज़रूरत है आपको दुनिया में हराम पीने की आप हराम खा करके और हराम पी करके अपने आप को जन्नत की नेमतों से महरूम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इन चीज़ों का तस्करा किया कि देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से आपके लिए गज़ाएं तैयार कर रखी हैं किस तरीके से अल्लाह ताला ने आपके लिए खाना तैयार कर रखे हैं थोड़ी सी आप पाबंदी करो और थोड़ी सी आप सब्र करो और अल्लाह ताला आपको इसका मुस्तक बनाने वाला है तो नाजरीन ने कराम हमें हराम खानों पीनों से बचना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें والعبد وسبك کو وتوفيق کو ناظر ماي هذا ما عندي والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا